आज तक जो जितने भी कंपोजर्स हुए हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट और सबसे शिरोमणि लोगों में से एक हुए हैं। उनका काम अगर आप वैसे तो आप पॉपुलर गाने जानते ही हैं, अगर आप अनपॉपुलर भी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उनका गूगल कभी कीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या काम कर रखा है। कई दशकों से वो सक्रिय रहे हैं, हालांकि लेटली उन्होंने इतना कोई काम नहीं किया क्योंकि म्यूज़िक भी बदल जाता है इंसान का और फिर उम्र का तकाजा भी होता है। लेकिन जितने भी नामचीन गुणी लोग हैं वो उनके म्यूज़िक को, उनकी कंट्रीब्यूशन को कभी भी लाइटली नहीं ले सकते। उन्होंने बहुत क्लासी, बहुत ही विद्वत वाला काम इंडस्ट्री में करके छोड़ा है और जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी वो भी अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने, आपको पता नहीं होगा शायद, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट में दे रखी है। ऐसा कौन करता है? और उनकी उम्र भी 93 के करीब ही है। उनकी वाइफ जो है वो भी बेचारी काफ़ी इस समय उम्रदार हो गई हैं और बीमार वो भी थीं। और इनका आपस में जो एक मोहब्बत हम देखते हैं अपनी आँखों से, इतनी इनका जो प्यार देखते आए हैं वो भी अपने आप में एक मिसाल है। उसके बावजूद भी इन्होंने लिमिटेड अपने लिए रख रखा है क्योंकि तलत जी उनसे बहुत नज़दीक हैं और मैं तलत जी से बहुत नज़दीक हूँ। तो मुझे तलत जी ने बताया कि अपना संतुष्टि से, बहुत ही सेटिस्फैक्शन से ये अपनी ज़िंदगी जीते आए हैं और बहुत ही जिस होते ना एक पाकिजगी वाली ज़िंदगी इन्होंने जी है। महान संगीतकार हमारे बीच में आज नहीं है तो इससे बड़ा क्षति और क्या हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, संगीत क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और सही, उनका जो काम है, उनका जो कंपोजिशन है, उनके जो गाने हैं एक से एक हैं, बेहतरीन हैं और वो हमेशा याद रहेंगे गाने के ज़रिए, काम के ज़रिए, संगीत के ज़रिए। बस अल्लाह ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति मिले। देखिए, जैसा मुझे जहाँ तक समझ में आती है बात कि म्यूज़िक के क्षेत्र में जो आखिरी लेजेंड थे वो इस वक्त अब दुनिया में नहीं रहे। खयाम साहब जो थे वो 92 ईयर्स के थे और उनके वजह से ऐसा लगता था कि हमारी सरपरस्ती है, हमारे सर पे कोई ऐसा इंसान है अभी जिससे हम सीख सकते हैं, वो बात जो है ना ख़त्म हो गई है। और खयाम साहब ने जितना काम किया, मतलब 50-55 फिल्में की हैं उन्होंने और हर पिक्चर का म्यूज़िक तराशा हुआ। और उदित जी बहुत लक्की हैं कि उदित जी ने उनका गाना गाया है। मैं यही बोल रहा था कि ये हमेशा बोल रहे हैं छोटी पिक्चर है, मैं बोले छोटी बड़ी की बात नहीं है, आपने इतने बड़े आदमी के साथ काम कर लिया, बहुत बड़ी बात। वाह वाह, क्या बात जी, आपने बहुत काम किया उनके साथ, तो क्या-क्या थोड़ा बहुत काम किया लेकिन जो भी किया मतलब समझिए वो तो आशीर्वाद है हमारे लिए। हम साहब हमारे लिए अनमोल थे और उनका जो काम जो उन्होंने किया है वो अनमोल है। वो तो खैर अमर हैं, वो खयाम साहब अमर हैं, उनका काम जो किया हुआ है वो अमर है। मैं बहुत मेरे लिए उनके लिए कुछ बोलना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। बहुत सब जानते हैं खयाम साहब कितने गुणी और कितने लाजवाब कंपोज़र हैं, थे, अभी थे बोलना पड़ता है। मैंने काफ़ी काम किया है उनके साथ। मतलब बहुत पहले जब उनके जो तब तो मैं इंडस्ट्री में आई नहीं थी, मगर रिसेंटली कुछ साल पहले मैंने काफ़ी उन्होंने काफ़ी वो फिल्में कर रहे थे, थोड़ी आर्ट फिल्म या ऑफ बीट फिल्म, उसमें मैंने उनके साथ काम किया है। इतने प्यारे इंसान थे वो और जगजीत जी दोनों, ऐसा कपल मैंने देखा नहीं। इतना, इतने लविंग, इतने अफेक्शनेट और इतना हौसला बढ़ाते थे। और जब उनके साथ काम मैं सीखती थी गाना या गवाते थे मुझे, तो इतनी तारीफ़ करते थे कि लगता था खयाम साहब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इतना हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इट वाज अ डिलाइट टू वर्क विद देम। और बहुत पर्टिकुलर होते थे कि किस तरह से गाने को गाना है। और हमारे लिए, मेरे लिए पहले तो मैं डरती थी कि उनके साथ